So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Infinix के Hot 40i डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क को इनेबल कैसे करेंगे। इससे होता क्या गाइस, जो भी आप एक्चुअल में डाटा यूज कर रहे हो, चाहे डाउनलोडिंग अपलोडिंग एवरीथिंग कुछ भी कर रहे हो, ब्राउजिंग भी नॉर्मल कर रहे हो, तो उसकी स्पीड में दिखाता है। तो अभी चलो इसका डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को इनेबल एंड यूज कैसे करते हैं। वेल गाइस, इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर इनेबल करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को और इसको डाउन करके नीचे आए। यहाँ पर एक सेटिंग्स में लिखी है डिस्प्ले ब्राइटनेस, जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे एंड वापस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले का एक सेटिंग्स होगा, आप चाहे तो उसको सर्च बार में टाइप कर सकते हो, मे बी वहां पर भी ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, देन आप वहां से एक सेट आउट कर सकते हो। ये थोड़ा सा लॉन्ग सेटिंग्स का नाम है, बट अगर ये अनचेक है तो इंडिकेटर हमारे पास स्टेटस बार में कोई भी शो नहीं होगा, बट आप इसको इनेबल कर देते हैं तो एक इंडिकेटर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर इंटरनेट को चालू करते हैं हम तो अभी देख सकते हो यहाँ पर जो स्पीड है वो हमें शो कर रही है, एंड यहाँ से हम जो भी डाउनलोडिंग करेंगे या अपलोडिंग करेंगे एवरीथिंग कुछ भी करते हैं इंटरनेट के साथ, वहां पर उसकी एक्चुअल इंटरनेट स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आपने फोन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड सेटिंग को इनेबल करके यूज कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।